ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च के टिपोरे, जो राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दाल बाटी या कोई भी जब बहुत सारा खाना परोसा जाता है उसके साथ ये हरी मिर्च के टिपोरे थोड़े से परोसे जाते हैं। बहुत तीखे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। इसे हरी मिर्च का कूटा भी कहते हैं। बेसिकली ये चटनी होती है और थोड़ी स्पाइसी और मसालेदार होती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लंबी वाली हरी मिर्च ली है। देखिए, इस तरह की छोटी मिर्च ना लें, ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है और इतनी ज़्यादा तीखी होती है कि फ्लेवर पूरा मास्क कर देती है। हमें ये वाली मिर्च लेनी है। इसके मैंने डंठल निकाल दिए हैं। इसके अलावा हमें लगेगा एक छोटी चम्मच लाल मिर्च, एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ कलौंजी ली है, एक छोटी चम्मच हींग पाउडर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नींबू का रस लिया है, ये एक बड़ा सा चम्मच करीब है, एक छोटी चम्मच मैंने राई ली है, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, एक छोटी चम्मच जीरा, दो बड़े चम्मच तेल, दो छोटी चम्मच सौंफ और एक छोटी चम्मच हमें ली है हल्दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने ऑलरेडी धो के रेडी की है। मैं चाकू का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि तीखी है, तो इनके मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। मिर्ची को हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये करीब पाव भर मिर्ची है, उसी हिसाब से मैंने मसाले बताए हैं। इस पैन को मैंने ऑलरेडी गरम कर दिया है। इसमें सबसे पहले मैं तेल डाल देती हूँ। तेल गरम है ऑलरेडी, तो हम राई डाल देते हैं और इसे तड़कने देंगे। राई तड़क गई है, मैं जीरा डाल देती हूँ। कलौंजी डाल दी मैंने, हींग डाल दी, सौंफ भी डाल दी। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा चलाना है बस। हल्दी डाल देती हूँ और इमीडिएटली मैं ये हरी मिर्च जो हमने काट के रखी है उसे डाल दूँ। इन सबको चला लेंगे और नमक डाल देते हैं और फिर इसे ढक के पकने देंगे। देखिए, ये मिर्ची जो है हमने मीडियम टू लो आंच पर करीब 15 मिनट पकाई है। ज़्यादा आंच ना रखें, अदरवाइज मसाले जल जाएंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। इस टाइम पे इसमें ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे और नींबू का रस भी अभी डाल देंगे और अब इसे एक बार फिर से चला लेंगे सारे मसाले। इसे एक दो मिनट और पकने देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। मिर्ची के टपोरे या कूटा बन के रेडी है। इसे आप खाने के साथ सर्व करें, हर तरह के खाने का ये स्वाद बढ़ा देता है क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी, न केवल मिर्ची का तीखापन होता है पर और मसालों का साथ मिक्सचर होके बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। सिंपल दाल राइस भी आप अगर के साथ भी सर्व करेंगे तो इसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा। दाल बाटी के साथ जैसा कि मैंने कहा ये सर्व किया जाता है। आप चाहें तो इसे डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं और कुछ दिनों तक आराम से खा सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।